चावल बनाना। 200। अरे दुकानदार गंदा ज्यादा होता है। नहीं गिफ्ट नहीं लिए हम लोग, यहाँ बिहार से लिए। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल समरीन गैलरी एंड वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो आज है जश्न ईद मिलादुन्नबी। तो मेरी तरफ से आप सभी को ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। और फटाफट से मैं नहा करके आ गई हूँ। मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही भी होगी आप लोगों की नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में नाच शरीफ वगैरह बज रहा है। इसलिए तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ अपना स्किन केयर करना है, थोड़ा सा हेयर केयर करना है। स्किन केयर में बस टोनर लगाना है और मैंने लिप एंड चीक टिंट लगाया है अपने लिप पे। तो मैं दिखाती हूँ कौन सा सीरम मैं लगाती हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही कौन सा लगाती हूँ, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये बायोटिक का सीरम है, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ये सेकेंड डब्बा है इसका। तो फटाफट से लगा लेती हूँ क्योंकि हेयर फॉल बहुत अभी बीच में हो रहे थे, अब नहीं हो रहे। क्योंकि कोई भी टोनर अभी मेरे पास नहीं है और मैंने लिया भी नहीं है। इस मंथ के लास्ट में मैं जाने वाली थी शॉपिंग करने के लिए, मतलब मेकअप एंड ऑल का। पता नहीं यार आवाज़ आ रही है, मैं वॉइस ओवर कर दूंगी अगर आप लोगों को आवाज़ सही से नहीं आएगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यही है अवेलेबल, तो यही यूज़ कर ले रही हूँ। तो अच्छे से मैंने रोज़ वाटर को लगा लिया, अच्छे से डैब डैब कर दूंगी इससे अपने फिंगर्स की हेल्प से। मैं आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ वरना मैं लेट कर दूँगी। तो गाइज एक ये ड्रेस है, ये ड्रेस बहुत पुराना है, बहुत फैलिक है। इसका साइज़ मैंने स्मॉल मंगाया था बट फिर भी मुझे लूज़ हो रहा है और मुझे अभी खुद से फिटिंग करना होगा इसे। तो ये प्लाजो है इसका। यार मैं इसका ना पिक्चर जो है ना वो स्क्रीन पर दे दूँगी अच्छे से अपने, मतलब तो पहन के दे दूँगी अच्छे से। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे में भी सेम फ्लोरल प्रिंट दिया हुआ है इस साइड में, बाकी प्लेन है दुपट्टा। और ये है इसका गाउन, पूरा नहीं खोलूँगी यार, मतलब पूरा क्या खुल ही चुका है अब तो। एक ये है और एक ड्रेस है, एक ये ड्रेस है, ये बहुत पहले मैंने आप लोगों को दिखाया होगा, ये देखिए। एक ये है, मतलब इसके नीचे गरारा है, गरारा इसे बोल सकते हो आप लोग, अम्ब्रेला गरारा बोल सकते हो आप लोग इसे, इस तरह का। अम्मी कह रही है ये पहनने, बट मुझे ये नहीं पहनना क्योंकि मैं अभी गाड़ी वाड़ी चलाऊंगी, मतलब बाहर वाहर जाऊंगी, तो मैं स्कूटी बिल्कुल नहीं चला पाऊंगी। चला लूँगी बट ये क्या कि डर है यार, फंस फंस गया गिर गई तो टेंशन है, इसलिए मैं ये पहन लूँगी। ये थोड़ा कंफर्टेबल है, इससे तो कंफर्टेबल वो है, तो वो पहन ले रही हूँ। उसके बाद फिर देखती हूँ शाम तक पहन लूँगी। अब बहुत आवाज़ आ रही है, मैं और नहीं बोल सकती। अब मैं दिखाती हूँ आपको सेंटर ग्राउंड का, क्योंकि यहाँ पर ही जितने भी ईद मिलादुन्नबी के जितने भी जुलूस होते हैं ना इसी साइड आते हैं, वरना आप लोगों ने बहुत बकवास कर रही हूँ। तो मैं अब डायरेक्ट वो दिखाती हूँ। कल रात से तैयारियाँ चल रही है, पता है कल रात से, बट मैं शूट नहीं कर पाई। मैं घूमने भी गई बाहर देखने के लिए बट मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं बाहर का दिखा देती हूँ आप लोगों को। ट्रांजिशन वीडियो भी बनाने हैं मुझे रील्स के लिए, तो आप लोग अगर चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है samreenkhan02। मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी अपने इंस्टाग्राम का। तो अब मैं बाद में मिलती हूँ। तो गाइज़ ये है मेरा ड्रेस और ये ड्रेस मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझसे मांगते हो लिंक हमेशा। तो ये मैंने ऑनलाइन लिया है, वैसे तो मैं ज़्यादा ऑफलाइन ही लेती हूँ बट ये मैंने ऑनलाइन लिया है।
तो गाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लेना मेरे डिस्क्रिप्शन को। मैं आप ही को टिफिन देने के लिए जा रही हूँ, ये टिफिन है तो ये चाबी। गाइज ये है छोटी मस्जिद, इतनी सुंदर सजी हुई थी ना, ये अभी भी सजी हुई, बट रात में इतना अच्छा लगता है ना इसका लाइटिंग, क्या ही बताओ, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद मैं घर जैसे ही गई उसके बाद अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी पूरे जुलूस का जितना भी है सब इसी ग्राउंड में आता है, कोई अभी आया भी नहीं था, धीरे धीरे लोग आ रहे थे, बहुत कम गिने चुने लोग आ रहे थे। अभी टाइम था इसलिए क्योंकि 11 बजे के बाद से जुलूस आना शुरू होता है, भीड़ भी 11 बजे के बाद से ही लगती है ग्राउंड पर। देख सकते कितनी ज़्यादा तेज़ है भाई, शायद फ़ोन पे नहीं पता चलता हो पर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा। वैश ब्लॉग बन रहा है, देखो इधर वैश ब्लॉग बन रहा है। ईद मिलाद उन नबी, आप सभी को आप मुबारक, वेरी गुड।
देखो ना वैश इधर हाय करो हाय करो हाय करो गाइज अब जुलूस आना शुरू हो चुकी थी, देख सकते हो धीरे धीरे करके पूरे ग्राउंड पे भीड़ जमनी शुरू हो गई है। और उस साइड में खुतबा हो रहा है जिस साइड में टेंट लगा हुआ है, जी हाँ इस साइड पे देख सकते हो आप लोग माइक पे बोल रहे हैं। और गाइज उसके बाद आ गए थे हमारे घर पे एक मेहमान, मतलब कि हमारे जीजू जिनकी शादी होने वाली है वो आए थे। तो वो जुलूस में आते इसलिए वो आए थे, तो हम लोगों ने उन्हें बुला लिया था। तो मैं उनका फेस तो नहीं दिखाऊंगी अभी क्योंकि एक ही बार शादी के टाइम में आप लोग देखना, तो बस ऐसे देख लो। मेरे बड़े पापा वहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर जीजू और उनके पापा उनका भाई है, और यहाँ मेरे बड़े पापा है, और यहाँ मेरी बड़ी मम्मी है रेड सूट पे। दिखाती पर ज़्यादा नहीं दिखाई क्योंकि बाद में मज़ा आएगा दिखाने का, है ना? बोलिए हाँ हाँ। और बहुत भीड़ है, बहुत थक गया, बहुत ज़्यादा। अब मैंने बीबी क्रीम लगाया फाउंडेशन में। और गाइस यहाँ मैं निकल गई थी घूमने के लिए और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आधे रोड रास्ते से ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी। इतनी तेज़ बारिश थी, अभी नहीं हो रही थी रिटर्न जब हम लोग आ रहे थे उस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैं पूरी की पूरी भीग चुकी थी। और ये रोड जो है ये चांडिल का रोड है और बैक नॉइज़ थोड़ी सी आएगी, प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, मेरे घर पे हमेशा बहुत लोग होते हैं। गाइस कितना अच्छा हम लोग का प्लान बन रहा था चांडिल जाने का, बट इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मैं वापस रिटर्न आने का सोच रही थी। उसके बाद रास्ते में मतलब दलमा दिख गया, वैसे पहले वो रोड आता है उसके बाद ही आता है, तो पहले दलमा दिख गया, फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ चलते हैं। यहाँ पर भी आगे रास्ता इतना बुरा था, इतना बुरी थी रास्ते, इतनी ज़्यादा बुरी थी मैं क्या बताऊँ, बारिश की वजह से बहुत ही ख़राब मौसम था, बहुत ख़राब। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो यार चलो, नहीं हो पाएगा अब कुछ। बहुत सही है मौसम, ऐसा मुरझाया हम खिंचाएंगे, मजाक उजाक कर रहे हैं क्या करें, पूरा बड़ी खूबसूरत था, ठीक है इतना गंदा दिख रहा कोई। देखिए यहाँ मैं बिल्कुल भीगी हुई हूँ, सिर्फ सर बच गया मेरा क्योंकि मैंने हेलमेट पहना था इसलिए। और मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ ज़ू के पास, मैंने सोचा कि चलो ज़ू ही चल जाएंगे, बट यहाँ पर भी बारिश स्टार्ट हो गई और ज़ू भी नहीं जा पाया यार। उसके बाद फिर गुस्सा आने लगा मुझे, मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं, खा करके फिर घर चलते हैं। फिर गाइस हम लोग आ गए थे मज़ार और ये है हज़रत बाबा सैयद मिस्कीन अली शाह की दरगाह है ये, वहाँ आए थे हम लोग फातिहा वगैरह कराने के लिए और ज़ियारत करने के लिए। और यहाँ पर मैं खड़ी हुई थी क्योंकि मुझे बहुत ही ठंड लग रही थी, पूरा भीगी हुई थी इसलिए। तो गाइस घूम घूम क्या गई हो? हाँ अब सीधा जा रहे हैं हम लोग ज्वेलरी शॉप। मेरा नंबर आपके पास है ही नहीं, तो हम कैसे अपना स्टेटस दिखाएंगे आपको? हो गया वो बहुत बिजी रहती है, जल्दी स्टेटस नहीं लगाती बेचारी को, टाइम ही नहीं है।
किसी को तो खराब देगा तो आप पकड़ा जाए दुकानदार गंदा ज्यादा नहीं नहीं गिफ्ट नहीं लिए हम लोग यहाँ बिहार से लिए थे तो गाइस हम लोग ज्वेलरी शॉप से आ गए हैं और बहुत ही क्यूट सा डब्बा दिया उन्होंने। डब्बा बॉक्स की तरह ही है बट बहुत क्यूट है, देख सकते हो। ये रोज़ वाला बहुत ज़्यादा चला हुआ था, रोज़ वाला बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। अभी फ़िलहाल ऐसी भी बहुत है लेकिन इसमें गोल्ड की है। तो ये देख सकते हो कितना क्यूट सा है, दोनों बहुत ही प्यारा है। और किसका एंगेजमेंट है? लड़का खोजिए, लड़का बहुत है। तो गाइस अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। मैं वीडियो एंड करने के लिए आई क्योंकि मैंने वीडियो एंड नहीं किया था, बट वीडियो एंड करना बहुत जरूरी है। तो मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश कीजिए। और मेरे सब्सक्राइबर 22K हो चुके हैं तो इसकी भी बहुत ज़्यादा खुशी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी 50K भी हो जाएंगे। 50K का टारगेट लेके मैं चल रही हूँ कि शादी तक हो जाए, आपकी की शादी तक। तो बहुत अच्छी बात है अगर हो जाएगी तो। तो यार बस इतना ही था मेरा आज का वीडियो। और थोड़ा सा मेरा फेस पर रेडनेस अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आईज रब किया अपने फेस पे, इसलिए क्योंकि मैंने ना अभी एक फेस पैक लगाया था बायोटिक का, शायद मतलब मैंने मेरी आपने नया मंगाया था तो मैंने वो लगाया था, तो शायद वो मुझे सूट नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि मैं बायोटिक का फेस पैक लगाती हूँ, बट वो कोई और सका नेक्टर का था शायद, मॉर्निंग नेक्टर समथिंग कुछ करके, तो याद नहीं मुझे, मैं दिखा दूंगी। तो उसी को मैंने लगाया तो क्या हुआ, मेरे फेस पे अजीब सा मतलब ऐसे इचिंग सी होने लगी। तो मैंने कहा क्या ये अजीब सा हो रहा है, तो फिर जैसे मैंने तुरंत उसे छुड़ा लिया। कभी भी आपका फेस इस तरह करे तो तुरंत उसे रिमूव कर दीजिए, कुछ भी लगाते हो सीरम हो या कुछ भी हो, उसी से समझ में आता है कि आपको ये चीज़ सूट नहीं कर रही है। तुरंत मैंने रिमूव किया, फिर भी छोटे छोटे से ना मुझे दाने जो होते हैं छोटे छोटे से वो हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं तुरंत क्या किया, तुरंत मैंने आईज़ को रब कर लिया अपने फेस पे, तो ये दाने बिल्कुल कम हो चुके हैं, छोटे छोटे निकले थे ना। फट से मैंने अभी आईज रब किया ना तो फेस बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा रेडनेस आ गई है थोड़ी सी, क्योंकि देखो ये पिंपल नहीं है गाइज, देखो ये पिंपल है ही नहीं, पता नहीं सही रेडनेस क्यों है, जाती ही नहीं है पता नहीं क्यों। तो ये जो है ये एक पिंपल मुझे निकल गया और एक दो यहाँ पर निकल गया है और यहाँ पर एक निकला है, बाकी सारे रेडनेस है पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने अभी शायद आईज रब किया था इसलिए ऐसा हुआ होगा। वरना मेरा पिंपल्स तो इतना है नहीं और ना ही मेरा डार्क स्पॉट इतना है, दो तीन पिंपल्स है वो ठीक हो जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोग सब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।